ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। क्या बात है जी। सफर जो है वो शुरू करते हैं इंशाल्लाह, बस थोड़ी ही देर तक इंशाल्लाह हम लोग मेरठ शहर पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। रात को हम लोग हमला की तरफ सेव ने किया हुआ था, अभी सारे जो है वो सोए हुए हैं, नाश्ता वगैरह तैयार हो गया, हमजा भी उठा है, उस तरफ रिजवान जो है वो लेटा हुआ है, वो भी सोया है, उसको उठाना है। तो भाई जो है वो रील्स देख रहे हैं इंस्टा पे, और यहाँ पे जो है वो रिजवान सब सोए हुए हैं। भाई उठ जाओ यार, खाना जो है वो तैयार हो गया। तो प्लान कुछ इस तरह का है, आज रिजवान के कज़न की शादी है तो उसको भी करना जी अटेंड, कपड़े वगैरह आ रहे हैं गाँव से, तो ग्रैंड इवेंट मार्केट के अंदर जाना है। रिजवान जाने हम सब मार्केट चलना दे यार। रिजवान सब सीधे लेट गया, मोबाइल चार्जिंग पे है। तो बाहर बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, छत से आवाज़ आ रही है ये देखो, तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी है। तो हम लोग जो है वो कार पे आए हैं तो इस वजह से अभी कुछ ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो नाश्ता करने के बाद फिर निकलते हैं इंशाल्लाह, बाल शाल भी कटवाने हैं। भाई की शादी भी है तो इसका फंक्शन भी अटेंड करना है। रिजवान अपने मोबाइल के साथ लग गया। रिजवान चल यार उठ जा भाई। डियर हेलो, को बाहर का व्यू देता हूँ। बाहर चेक करें कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, पानी काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया, और उसके बाद अभी भी बारिश स्टिल हो रही है। तो इस साइड पे खड़ी है जी हमारी गाड़ी, इसको निकालते इसके बाद इंशाल्लाह चलते हैं। हमजा भी बाहर निकला है। तो सियालकोट के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है, बारिश के अंदर भी। तो ये जी देखिए, अब पाकिस्तान के हालात इसका अंदाज़ा आप देख सकते हैं। चेक करें कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, हम लोग क्या करें, किसको टकरें मारें, किसके किसको पकड़ें, इतने इतने बड़े खड्डे इन्होंने रोडों पे बनाए हुए हैं। मुल्क चलाने के लिए आपके पास मिसाइल होने चाहिए आपके पास। तो ये रश चेक करें यार, हम लोग कहाँ पे आ गए यार, दो घंटे मुसलसल हो गए हैं। लारी अड्डे में 5 मिनट का फासला था जो कि 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक तय नहीं हो रहा। देखें उस तरफ भी गाड़ियाँ हैं, इस तरफ भी गाड़ियाँ हैं, इस तरफ भी गाड़ियाँ हैं। लेकिन यार इस तरह लोगों के साथ होना ना खेले, इतनी बड़ी ला के क्वीन जो है वो खड़ी कर दी है आपने, लेकिन काम फिर भी रुका हुआ है, कोई काम करने वाला बंदा नहीं है आपके पास। इस तरह तो नहीं होता यार, इस तरह तो नहीं चलेगा मुल्क। तो अभी हम इस वक्त हमजा के घर से निकल आए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं जी रिजवान के कज़न की शादी है आज, तो इसके कपड़े भी वहाँ पे अजीम तो नहीं पड़े हुए हैं, और मेरे कपड़े जो है वो यहाँ से अनपड़े पड़े हुए हैं, तो वो कपड़े वहाँ से लेने हैं। और उसके बाद बारिश, बाहर का मौसम जो है वो ओवरव्यू देता हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश ही है, बारिश जो है वो लगातार मुतवातर हो रही है। इस साइड पे सीवरेज का काम हो रहा है, 2 घंटे तो हमारे यहाँ पे लग गए हैं यहाँ से निकलते हुए, तो यहाँ तक आने के लिए हमें 2 घंटे लगे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रश है इस लारी अड्डे के पास ना, ये रास्ता जो है इसको वो मरम्मत कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कैंट वाला रास्ता तैयार करने लगे हैं, कैंट वाले रास्ते से होते हुए हम लोग कैंट जाएंगे, वहाँ से जीमपुर नहीं जाना है, वहाँ से रिजवान के कपड़े पकड़ेंगे, उसके बाद फिर सैनपुर जाएंगे, वहाँ से मेरे कपड़े लेंगे, और फिर इंशाल्लाह शाम के वक्त जो है वो शादी है तो उसको हम ले अटेंड। ओ भाई ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई, बारिश जो है वो मतवातर अब मुसलसल शुरू हो गया। ये KFC के पास हम लोग खड़े हैं, तो बारिश तेज़ हो गई है फिर दोबारा। तो ये हम लोग सियालकोट कंटोनमेंट कैंट की हदूद के अंदर जो है बाबे कश्मीर, तो यहाँ से हमने कैंट के अंदर एंट्री ले लिया है। तो अभी बारिश भी जो है उसी तरह तेज शुरू हो गया, फोरकास्ट में यही बता रहे हैं कि आज सारा दिन बारिश होगी। तो ये हम लोग कैंट एरिया के अंदर जो है वो सफ़र कर रहे हैं अभी, तो बारिश जो जो हम कैंट की तरफ जा रहे हैं बारिश तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है। तो इस साइड पर अगर देखें तो ये हमारे पास अस्करी कलोनी 1 है,
इससे आगे स्क्रिकलोनी 2 आएगी, ये 1 और ये 2 आपके पास, और ये हमारा कैंट का एरिया अदो जीरो हो गया। बूंदे बूंदे बारिश बारिश बारिश। ओए 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 इतनी ज्यादा बारिश सियालकोटियो रूम राम जे। मौसम इस वक्त बहुत ही लेवल का जी, मैं और रिजवान फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। हाय 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 हाय। A few moments later। A few hours later। तो अभी मैं तैयार हो गया हूँ। टाइम इस वक्त जो है वो 8 बज गया और अभी जो रिजवान है वो नीचे आया मुझे लेने। तो आपको पहले भी बताया था कि उसके कजन की शादी है सैफ की, तो चलते हैं शादी पे और वहाँ पे जाके करते हैं जी हला गुला और खाते हैं रोटी। क्या है, चलो चलते हैं। भाग 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 भाग। रिजवान तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है मेरे ख्याल में, आ रहा है जी। ये गाड़ी मुझे लग रहा है कि रिजवान की ही है। तो मियाँ जी जो है वो हुंडा स्विफ्ट पे आ गए जी। हाँ जी मियाँ जी, की सीन है, चलिए मियाँ जी बड़ी गड्डी लेके आया। क्या बात है जी। तो अपना सफ़र जो है वो शुरू करते हैं इंशाल्लाह, बस थोड़ी ही देर तक इंशाल्लाह हम लोग महरजाल पहुँच जाएंगे, आपको ओवरव्यू भी इंशाल्लाह देंगे। मियाँ जी नु कनेक्ट करने वास्ते दिल जिगड़ा चाहिए जो थोड़े को नहीं है, पिन कोड जी 000 कार बी टी। हाँ सही है, मलक फरजान आ रहा है ले यार, बंद करके आ कर। मियां जी जो है वो कनेक्ट हो गए जी। जी जो गाड़ी लेके आए हैं उसके पीछे लगा है जी कैमरा। शहर तेरे भावे साडा नाम पुछ ली चले जी पहुंच गए, निकलते हैं बाहर। आए वे एनवायरनमेंट चेक करें जी। तो पहुंच गया जी मेरा जहाज, चलते हैं अंदर कमरे में चलते हैं। इस गाड़ी पे जो है वो हम लोग आए हैं जी, रिजवान साहब पार्किंग कर रहे हैं, इसको पार्किंग हो गई है।
माशाल्लाह बड़ी अच्छी गैदरिंग है इधर, तो ये आप देख सकते हैं ग्रैंड इवेंट। तो ये छोटा जा रहा है जी फरजान, जिसके पास 13 प्रो मैक्स है। ये तो यार मैं शोरबाना भोग दिया बड़ा। अभी आ गया जी फिश, फिश ये है जी दूल्हा भाई, इनकी शादी है आज माशाल्लाह वलीमा। मटन का इंतजार, हाँ उनकी डिश आ रही है। मटन का फिर इंतजार किया जाए, मटन का इंतजार किया जाए फिर है? चलो पीछे जो है वो आप देख सकते हैं माशाल्लाह लाइव किचन जो है वो चल रहा है, लाइव किचन है यहाँ पे जो है वो बारबेक्यू वगैरह का जो है वो इंतजाम है। अरे नेक्स्ट अभी जो खाना हमने खाना है वो खुद लेके आना। चलो चलो, तो नवाज साहब यहाँ पर आके खाना शुरू करने लगे हैं, ये प्लेट पकड़ ली है इसने, ठीक है। ओ लगता है नवाज साहब की बारी नहीं आ रही, रश बहुत ज्यादा है इधर, अपनी अपनी पड़ी है, नफसा नफसी है जी, नफसा नफसी। तो जी लाइन में लगा हुआ है बंदा, तो देखते हैं जी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा अरेंज किया है, ग्रैंड इवेंट में तकरीबन जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अंदाज से वो करते हैं। तो एट लास्ट आखिरकार नवाज साहब की बारी आ गई है, नवाज साहब जल्दी करें भाई, बाकी लोग उनको मौका दें यार। आगे ना रशियन रशियन सैलेड में है, मैं यार मटन खाऊंगा, स्पेशली आया मैं मटन खाने आया ना। और ये जी हमारे साथ कज़न भी आ गए हैं, ये दर बदर फिर रहे आगे पीछे, खाना नहीं मिल रहा, रश बहुत लगा हुआ है आगे। नवाज साहब ने प्लेट अपनी भर ली है माशाल्लाह जी, हे वल्ला। तो बाकी बाकी लोगों की बारी है जी, ये भी है जी व्लॉग बन रहा है साथ साथ। प्लीज आ जा, आ जा, तो ये बच्चों ने प्लेटें भर ली हैं, ये देखें ये व्लॉग हमारा, व्लॉग बन रहा है यार साथ साथ। व्लॉग आ गया बिच, तो हम आ गए जी इधर, ये देखें फिर बंदा 3500 रुपया इन्होंने पूरा करना है पैसा अपना है ना। चाहे एक कप चाय, हाय 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 हाय। तो चाय मैंने लिया जी पकड़, आई आजमान इधर चाय पीते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं इंशाल्लाह। तलहा भाई मौजूद है, फरजान भाई यहाँ पे मौजूद है जी माशाल्लाह देखें, और खाना वगैरह सारा कुछ सर्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो है वो सिस्टम को हैंडल किया उन्होंने, और सैफ भाई ने माशाल्लाह जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम यहाँ पे जो है, अवैस भाई और हमारे अब सैफ भाई की बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत है यहाँ पर। तो मेहमान जो है वो मिलने के बाद आस्ता आस्ता घरों को जाते हुए, ये जी मियाँ जी खड़े हैं यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं मियाँ जी, हैं बुलाओ सैफ भाई ने बुलाओ जी। तेरे को यार फिर लुकमान भाई भी जान दे, तलहा भाई भी जान दे, ते अही भी जावां दे, मैनु भी नहीं दी। तो इस साइड पे कुछ बड़े जो है वो बैठे हुए हैं, और इस साइड पे जो है वो कुछ रिजवान साहब का कज़न जो है वो पिक्स वगैरह बनवा रहे हैं।
तो बाकी इन्वायरमेंट चेक करें, सारा कुछ ए टू जी ख़त्म हो गया हुआ है, सारा क्लोजिंग टाइम है, अभी तक उन्हें लाइट्स बंद नहीं की, और शेरों निकलो लाइटा बंद हो जानी है जे इंसर्ट। तो सैफ भाई की शादी का जो प्रोग्राम था वलीमे का प्रोग्राम वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम लोग बिल्कुल फ्री हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ रिजवान साहब का, जो ही रिजवान साहब आएंगे तो हम लोग इंशाल्लाह जो है वो वापस चले जाएंगे। सुबह तो स्कूल भी है, तो इस वजह से टाइम अभी इस वक्त 10 बज गए हैं, तो अभी घर जाना है, रेस्ट करेंगे और सुबह इंशाल्लाह वहाँ पर निकलेंगे। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे करते हैं जी ख़त्म। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़। वो आसा आसा लाइट्स हो रही हैं जी बंद, इस तरफ की जो सारी लाइट्स हैं वो हो गई हैं जी बंद, और इधर से भी लाइट सारी हो गई हैं जी बंद, बिल्कुल आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया। इस तरफ दो लाइटें ऑन हैं और इस तरफ वाली लाइटें ऑन हैं, बाकी सारी लाइट्स जो हैं वो बंद हो गई हैं। तो ये है जी हमारे लुकमान भाई, लुकमान भाई लाइटें बंद हो गई हैं जी। हाँ जी, रिजवान साहब गए हैं जी औरतों की तरफ, जो ही वो आते हैं फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो निकलते हैं जी गढ़।